रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ हाजी अंजू। देश की राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, एक सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली की महिलाओं से जुड़ा एक प्रश्न है या बतौर सामाजिक प्राणी हमारा कोई दायित्व भी है? जिस तरह से ये जघन्य अपराध सामने आया है उससे हमारे समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, खड़ा होना ये प्रश्न चिन्ह लाजमी ही है। हमें अब बतौर नागरिक ये सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने देश और समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हमें भी अपने सामाजिक मूल्यों पर प्रकाश डालने की, जोर डालने की आवश्यकता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हम बतौर नागरिक अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक साक्षी और दामिनी जैसे हत्याकांड सामने आते ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें ये भी बोध होना आवश्यक है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से भागता हमारा समाज यदि अश्लीलता का विरोध नहीं कर सकता तो वह बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का नाश कैसे करेगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, जब भी ऐसा कोई बलात्कार का केस सामने आता है, एक बार मार्च निकाले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, अदालत, मुजरिम, लोगों की प्रतिक्रियाएं, समाचार, ये सब उस वक्त तो बहुत होता है, लेकिन उसके बाद ये बातें फाइलों में दब जाती हैं और फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही एक और हादसा होता है, तो ये लगातार चलता ही जा रहा है। तो ये बलात्कार जो एक जघन्य अपराध है, क्या इसका दमन करना, इसका नाश करना हमारे देश के एक जिम्मेदार नागरिक है तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है? वहीं अगर मामले की बात करें तो आरोपी जो है साहिल, पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने ये बताया है कि आरोपी शातिर है और बार बार बयान बदल रहा है। आरोपी से सच और हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने के लिए अब पुलिस अधिकारी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट के जरिए विशेषज्ञ आरोपी से बातचीत कर हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को जोड़ेंगे। तो अभी तक रेडियो क्राइम में इतना ही। आगे की स्थिति के बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।